जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 5:30 हो गए शाम की। शुक्रवार 15 फरवरी, फ्राइडे 15 फरवरी, 5:30 PM। तो सबसे पहले तो मार्केट की स्टोरी बता देता हूँ आज की क्या हुआ। ये देखिए, आज का कैंडल बना, ये कैंडल आज बना है। तो आज ओपनिंग हुआ था 780, टुडे ओपनिंग वाज 780, हाई वाज 786, फ्राइडे फिगर। हाई कितना था आज? 786, फ्राइडे का हाई। 786 वैसे फ्राइडे का नंबर भी है और अल्लाह का नंबर भी है, तो 786 का आज हाई है। और लो बनाया 620 का, लेकिन क्लोज हुआ 724। देखिए आप, कल की क्लोजिंग कितनी थी? कल की 746, आज की क्लोजिंग कितनी है? 724, यानी कि खाली 22 पॉइंट माइनस। कितना? ओनली 22 पॉइंट माइनस। लेकिन लो कितना बना? 620 का। यानी कि अगर आज के लो से हमने कितना ऊपर बंद किया? 124 पॉइंट। कितना ऊपर बंद किया? 124 पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि देखिए, ये पूरा एग्जैक्टली हैमर बना है। इसको बोलते हैं लेस बुलिश हैमर, मगर ये रिवर्सल पैटर्न होता है। हैमर एक रिवर्सल पैटर्न होता है। हैमर का मतलब, ये कैंडल इतनी साइज की बनती है, इससे डबल साइज की, अरे यार, इससे डबल साइज की इसकी वीक बनती है। वीक इसको जो लोअर शेडो बनता है, ये कैंडल की साइज देखिए इतनी है, तो इससे डबल साइज की ये वीक है। तो ये परफेक्ट हैमर बन गया आज। और हैमर इज अ रिवर्सल पैटर्न, चाहे वो रेड हैमर बने चाहे वो ग्रीन हैमर बने। ग्रीन थोड़ा ज़्यादा बुलिश होता है, रेड थोड़ा कम होता है, लेकिन रिवर्सल पैटर्न जरूर होता है। तो आज की डेली कैंडल में क्या बना? रिवर्सल पैटर्न, यानी कि मंडे से तेजी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि आज का लो था 620 और फिर भी क्लोज हुआ 724, यानी कि 104 पॉइंट प्लस। मगर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैंने 790 के नीचे की दो क्लोजिंग का स्टॉप लॉस बोला था, तो मेरा 790 के नीचे की दो क्लोजिंग का स्टॉप लॉस हो चुका है, क्योंकि 724 की क्लोजिंग आई। बट मैं पर्सनली अभी भी उसी बात पे कायम हूँ, टिल वेनसडे अगर 27646 बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में नहीं टूटता है, तो आई विल नॉट मेक एनी यूट्यूब वीडियोस फॉर नेक्स्ट सिक्स मंथ्स टू वन ईयर। ये मेरा वादा है, और क्योंकि वो मैं अपने आप पे गुस्सा हूँ, नॉट फॉर यू पीपल, क्योंकि रॉन्ग तो कोई भी हो सकता है। एक आध बार रॉन्ग भी हुआ, तो जितने बार मैं राइट हुआ उतने बार तो शायद ही कोई यूट्यूब में हुआ होगा जिंदगी में। और जो मैं पोजिशनल कॉल्स लिखता हूँ अपने टाइमलाइन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आज भी मैंने क्या दिया? गोदरेज सीपी 661 पे दिया, 668 चला के हमने टारगेट दिया 690 का, लेकिन इतने फॉलिंग मार्केट में भी वो 668 तक था। कल मैंने दिया था, आपको याद होगा, कौन सा? नेशनल एल्युमिनियम 4670 पे, आज चला गया था 50.70 रुपये पोजिशनल दिया था। उसका लॉट साइज़ है 8000, यानी कि 4 रुपये एक दिन में, 8000 की लॉट साइज़ उसके पे। उस कल एक और दिया था JSW स्टील, वो कल ही कमाल हो गया था। उसके पहले आपको याद होगा येस बैंक दिया था, तो मेरे सारे कॉल चले एक्सेप्ट फॉर दिस निफ्टी, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ फॉलिंग मार्केट, सारे मेरे स्टॉक जो मैंने बताया वो राइज हुए। एनीवे दोस्तों, छोड़िए उसको, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो देखिए। अब दूसरा, ये पूरे एक महीने की कैंडलस्टिक है, पिछले एक महीने की, इससे एक्सपायरी से कोई मतलब नहीं। एक महीने की मतलब, आज अगर 15 तारीख है तो पिछली 14 तारीख की ये पहली कैंडल है। देखिए पिछली 17 तारीख की, 17/1 से लेके आज तक की ये कैंडल है। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इसका कारण है, देखिए आज का जो लो है 620, तो इस कैंडल से सिर्फ अभी दो ही लो बचे। कितने? एक तो ये 584 का लो था, कब बना था? 29/1 को, कब बना था? 29/1 को। और दूसरा लो है 613 का, वो बना 30/1 को। उसके बाद रैली स्टार्ट हुई, आपको याद है, उसके बाद रैली स्टार्ट हुई, ये 678 का लो बना था इस दिन। ये क्या था वो जो मैंने बोला था, ये मूल नक्षत्र, यहाँ से स्टार्ट हुआ था तेज़ी। और यहाँ से हम कहाँ चले गए थे? 11118 तक, और वहाँ से वापस उसी डेस्टिनेशन के नीचे आ गए, यानी कि हम लगभग 30 तारीख की कैंडल को पकड़ लिए जहाँ से तेज़ी स्टार्ट हुई। लेकिन 30 तारीख की कैंडल का लो आज भी, क्योंकि मैंने बोला उस दिन जो लो बनेगा 30 तारीख को, वो वापस नहीं दिखेगा, याद है?
क्योंकि मूल लक्ष्य अदरक के एक दिन पहले का लो ये, तो मैं थोड़ा आज बोलने में गलती हो गई, 679 बोल दिया मैंने, मैंने मूल नक्षत्र वाले दिन का लो बोल दिया, बल्कि ये लो इम्पोर्टेंट है 613, तो एक्सट्रीमली सॉरी, गुड मॉर्निंग पोस्ट पे मैंने गलत लिख दिया था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मैं मूल नक्षत्र वाले दिन का लो बता दिया जबकि ये लो काउंट होता है, तो ये 613 का लो, तो 613 का लो आज भी नहीं टूटा क्योंकि 620 का लो है। तो अब नेक्स्ट दो ही सपोर्ट बची है निफ्टी को, 584 और 613, 613 बहुत क्रूशियल है, उसके नीचे 584, अगर ये मंडे को दोनों लेवल टूट जाते हैं तो निफ्टी गया क्लास, फिर 10400 पे रुकेगा, कितने पे रुकेगा 10400 पे, लेकिन मुझे ये 613 भी मंडे को टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, 620 का लो है, और आज तो क्लोजिंग हो गई 724, तो ये अपने आप में रिवर्सल साइन है, क्योंकि ये कैंडल क्या बनी है, हैमर, हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है, और इसके बाद मैं कोई भी मंडे ट्यूसडे व्यू नहीं दूंगा जब तक कि वेनसडे 627-646 बैंक निफ्टी फ्यूचर पार नहीं कर ले, अगर करता है तो आगे के वीडियोस आएंगे, अदरवाइज देर विल बी नो वीडियोस फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स एटलीस्ट, दिस इज पीजेस प्रॉमिस। सो गाइस ये है, और आज के पोस्ट भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि आज तो ऐसे भी दिन बहुत, अरे यार ये मास्टर साहब कौन है यार, प्लीज़ मुझे मैसेज करके लोग अपना खुद का टाइम वेस्ट करते हैं, मुझे इतना टाइम ही नहीं है मैं अपना मैसेज, ये अभी एक घंटे पहले मैंने लिखा, टुडे सेकंड क्लोजिंग बिलो 790, नाउ टिल वेनसडे इफ डजंट कम, मैंने ये देखिए अपनी टाइमलाइन में पब्लिक के सामने भी लिख दिया कि मैं उसके बाद यूट्यूब में नहीं आऊँगा, और ये देखिए ये अभी मैंने एक घंटे पहले ये पोस्ट डाला, क्या डाला, 4:17 पे, 4:17 पे, कि दिस पिक्चर बिलो सेज इट्स ऑल, दिस इज हाउ पीजे एनालिसिस ऑलवेज लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एंड वेल इन एडवांस, मेरा टारगेट मैं क्या दे रहा हूँ, 10,957 मिनिमम टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक, मिनिमम टारगेट मैंने अपना कैलकुलेशन कर लिया है, और आज का लो कितना था 620, तो ये पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ जो मैंने डाला है यहाँ पे टाइमलाइन में, ये देखिए एक पिक्चर ये है, इसमें वही जो आपको दिखाया भी चार्ट वो यहाँ पब्लिक को भी दिखा दिया, ये हैमर पैटर्न बना है ये मैंने बताया, और ये हैमर के बारे में मैंने बताया, तो ये आपको दिख गया, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद का नेक्स्ट पिक्चर है, ये एक और पिक्चर है, हैमर क्या होता है आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे टाइमलाइन में मैं सिखाता भी लोगों को मैं क्या लिख रहा हूँ, हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इज व्यूड एज ए बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट मेनली ओकर्स एट द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड्स, तो बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड पे हुआ है, तो दो तरीके के हैमर होते हैं, एक तो बुलिश हैमर जो ग्रीन कलर का होता है, और एक रेड कलर का होता है, और लेस बुलिश मगर वो भी रिवर्सल होता है, तो ये है, और एक ये पोस्ट भी है कि हैमर के बारे में, हैमर फॉर्मेशन इज क्रिएटेड व्हेन द ओपन हाई एंड क्लोज आर रफली सेम प्राइस, ऑल्सो देयर इज अ लॉन्ग लोअर शेडो ट्वाइस द लेंथ एज द रियल बॉडी, रियल बॉडी से ट्वाइस लेंथ होनी चाहिए जो शेडो बनता है, या वीक बोलते हैं उसको, वीक जो नीचे डंडी बनती है, तो लो की डंडी आज 620 की थी लेकिन क्लोज कहाँ हुआ 724, तो वो बन गया, तो ये आप पढ़ लीजिए, मैं पब्लिक को थोड़ा ज्ञान भी देता हूँ साथ में, तो ये मेरा ड्यूटी है। दूसरा ये मैंने ये भी अभी एक घंटे पहले लिखा था कि 4:29 को कि अनदर बुलिश साइन फॉर कमिंग वीक इज फ्रॉम द डेज लो ऑफ 620.40 वी हैव क्लोज्ड एट 104 पॉइंट्स अप एट 10, तो मेरा अभी भी व्यू सेम है, और मैं बैंक निफ्टी में भी वही टारगेट दे रहा हूँ, निफ्टी में जरूर मैं 10,957 दे रहा हूँ अब मिनिमम, लेकिन वो मिनिमम है मेरा नेक्स्ट वीक का टारगेट, निफ्टी में कितना दे रहा हूँ 10,957 लेकिन मिनिमम, तो आज 724 है फिर भी अगर देखो तो 225 पॉइंट तो दे ही रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, वो मिनिमम, उससे ऊपर गया तो जा सकता है 11,000 भी, वो नहीं बोलो, बट बैंक निफ्टी का वही टारगेट है, बस इतना ही व्यू है। और हाँ कल दिल्ली में ट्रेनिंग आप लोग देख सकते हो, कल दिल्ली में ट्रेनिंग है, उसकी टाइमिंग्स ये है, एक 12:30 से 7 बजे तक का कल का है, और संडे को 10:30 से 5:30, बस दो ही क्लास होगी, तो दो सीट और बची है, तो जिस किसी को कांटेक्ट करना है वो फेसबुक में मैंने मैसेंजर में अभी लिख दे, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना,
ताकि मैं आपको फ़ोन कर सकूँ, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट, दिस इज़ माय व्यू फॉर मंडे, ट्यूसडे एंड वेनसडे, ये तीन दिन का मेरा सेम व्यू है, कोई चेंज नहीं, मैं तेज़ी में हूँ और बुलिश रिवर्सल भी हो चुका है। 613 एक मेरा पहला स्टॉप लॉस है और 584 फाइनल स्टॉप लॉस है नेक्स्ट वीक के लिए। 613 मेरा पहला, 612 सॉरी, और 583 फाइनल स्टॉप लॉस, छोटे से है क्योंकि 620 का लो बन चुका, लेकिन वो तो अब दूर हो गया क्योंकि 724 की क्लोजिंग है। तो पहले तो देखना है कि हैमर अपना काम करता कि नहीं मंडे से। सो थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और जो कल पुलवामा में अटैक हुआ उसको मैं, उसकी भर्त्सना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मोदी साहब कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन ज़रूर ले ताकि इन पाकिस्तानी कुत्तों को पता चले कि भारत से टकराना कितना डेंजरस है। एक्चुअली हमारा देश सहनशील है इसीलिए वो जल्दी से ऐसी कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है मोदी साहब ज़रूर कड़ा एक्शन लेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, क्योंकि हमारे 56 इंच मोदी जी कुछ तो अब अपना जलवा ज़रूर दिखाएंगे। अब वो क्या एक्शन लेते हैं वो उनके ऊपर है, क्योंकि वो देश के प्रधान सेवक है। तो आशा करता हूँ हमारे शहीदों की बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जय हिंद।